हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। आज मैं आया था न्यूयॉर्क, और प्लान ये था कि जिस स्टेट में मैं रहता हूँ बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ, स्नो है बहुत ज़्यादा। तो न्यूयॉर्क में स्नो नहीं थी अभी, तो मैंने कहा न्यूयॉर्क चलते हैं और 2 दिन जो है वो न्यूयॉर्क देखते हैं। बट यहाँ पर जैसे ही मैंने लैंड किया और मेरी नज़र मोबाइल उस पर वेदर नोटिफिकेशन पे पड़ी, तो मेंशन था कि देर वॉज़ अ स्नो स्टॉर्म फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, आई थिंक सो। और रात पहुंचा घर के अंदर, और अभी मैंने कहा ज़रा घर से बाहर निकल के देखते हैं कि यहाँ पे स्नो तो नहीं है सच इतनी। तो निकलते हैं बाहर, स्नो तो है और दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा, बस इतना कि खुलेगा आई थिंक। काफ़ी ज़्यादा स्नो है। ओह माय गॉड, ये तो आज इसने हमारी स्टेट को भी पीछे छोड़ दिया। ओह ओह ओह, इट्स लाइक 2 फीट स्नो। और ये मेन रोड है, रात यहाँ पे कुछ नहीं था, बड़े आराम से गाड़ियाँ जा रही थी, और अभी रोड नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आफ्टर स्नो जो है वो लाइफ कैसी हो जाती है, क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी स्ट्रगल होती है। मैंने एक वीडियो में शो किया था जब मैं खुद गाड़ी साफ कर रहा था, बट यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्नो को साफ कर रहे हैं। तो ये व्यू है, ना रोड नज़र आ रहा है, ना पता चल रहा है कि कहाँ आपने मूव करना है, और बहुत तेज़ हवा है इस वक्त। और जब स्नो के बाद हवा चलती है तो फ्रीजिंग कोल्ड के बाद कुछ वर्ड नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा हो जाता है। नहीं रुका जा रहा है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा विंड है और इतनी ज़्यादा है कि नहीं खड़े हो सकते। मेरा ख्याल है अभी मैं सकता हूँ, थोड़ी देर में आई विल ट्राई माय बेस्ट के दोबारा निकलूँ अगर कुछ हवा जो है वो कम होती है। ये स्नो है घर के आगे, ये 2 फीट से भी ज़्यादा लग रही है मुझे। उसके बाद ये सीन शुरू हो जाते हैं। बड़ी टफ लाइफ है। स्नो स्टॉर्म था, बहुत बुरा स्टॉर्म था, अप्रॉक्स 12 आवर स्नो थी, और लाइक 2 फीट 3 फीट
स्नो है और स्नो से अगले दिन की एक्टिविटी। हर बंदा अपने घर के आगे से जो है वो स्नो रिमूव कर रहा होता है। गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड से साफ करेंगी स्नो, स्नो साफ करेंगी और साफ फेंकेंगी। मेरी आवाज़ दब जाती है कभी कभी, वो नहीं क्या आगे जो है वो ग्लव्स रखता हूँ इसमें, और मैं ऐसे ही 5 मिनट का टूर करने के लिए बता रही हूँ। लिटिल नेक रोड पे हूँ। आज प्लान था मेरा टाइम स्क्वायर, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सफ़ेद चादर उड़ी हुई है हर तरफ, सफ़ेद चादर। आपका चलना मुश्किल हो सकता है, जिस स्टेट में मैं रह रहा था वहाँ भी स्नो थी बट इतनी जो है हवा नहीं थी। यहाँ पे तो ऐसे हवा है कि ऐसा लग रहा है कि स्नो आपके अंदर से बाहर निकल रही है। आगे चलते हैं और बस उसके बाद हिम्मत जवाब दे जाएगी। हर घर के आगे लोग जो है वो सफाई कर रहे हैं। हाँ, वो आई थिंक शॉप है, शॉप के आगे भी सफाई हो रही है। हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है अपने घर के आगे सफाई करने का। है इस साइड में सब्वे है, दरमियान में ये एक शॉर्मा ग्रिल है, हलाल शॉर्मा। ऐसी हवा की आंखों में पानी, खड़ा होना बहुत मुश्किल है।